भारद्वाज और आज बात करते हैं मेरठ के जाने माने अधिवक्ता अनिल कुमार सरावत जी से। मेरठ ही नहीं पूरे भारत देश में आजकल पारिवारिक मामलों का विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है और इसमें पीड़ित पक्ष हमेशा लड़की पक्ष को ही समझा जाता है, तो आज जानते हैं जिसे में कि ये इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं पूरे देश में। देखिए इसका जो है ये सबसे बड़ा काम ये है कि उसको लड़के आजकल कोई प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं, शराब पीना, कामना करना, इस तरह की स्थिति आ गई। आजकल लड़कियां भी कोई कम नहीं है और वो लड़कियों में जो है आजकल पहले एक संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार में जो है लड़की जो है काम भी करती, बड़ों का ध्यान भी रखती। आज लड़की पक्ष का ये हो गया है कि अकेले रहना जो है वो ज्यादा पसंद करती है। पहले बुजुर्ग लोग भी ये करते थे कि जिस परिवार में कोई अगर वो जो है अगर परिवार में अगर ज्यादा सदस्य नहीं होते थे तो बड़े लोग उसको शादी भी नहीं करते। आज एक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि सब लोग समाज में ये देख रहे हैं कि इस परिवार में केवल लड़का हो और आगे उसका परिवार कोई ना हो और वो जो है इसी बात की वजह से आज परिवारों में इतना टकराव आ रहा है। जब भी अगर लड़कों के पक्ष में काफी कानून है और हमारे जो है महिलाओं के बारे में भी काफी कानून है, महिलाओं को भी डरने की जरूरत नहीं है और जो है लड़कों को भी डरने की उसकी जरूरत नहीं है। लड़कियों के लिए तो मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम है, घरेलू हिंसा है, दहेज के मैटर्स वगैरह भी हैं, तो इस प्रवृत्ति को तो रोकना पड़ेगा। आज ये बहुत एक महामारी की तरह चल रहा है, हमारे जो है ये परिवार जो टूट रहे हैं। आज के लड़कियों की हमारे यहाँ परिवार न्यायालय है, परिवार न्यायालय में आप देखें कि लिटिगेशन बड़ा पड़ा है इस चीज़ का, तो लिटिगेशन में जो है सारी जो है लड़कियां और अभी मामले चलते रहते हैं परिवार न्यायालय में। परिवार न्यायालय में भी समझौता केंद्र है जो दोनों पक्षों समझाता कि परिवार उनके जुड़ा है, लेकिन अब जो स्थिति अब आ रही है कि लड़कियां नाम लड़कियां माने कुछ मामलों में तो ये देखा गया है कि लड़की के पिता और जो है लड़की के पिताजी जो है या लड़की की माता और लड़की की माता के अंदर जो है टकराव हो जाता है और वो जो है लड़के लड़की के परिवार को इसको आपस में तोड़ देता है। ये बहुत सारी प्रवृत्ति ऐसी बढ़ गई है, तो अगर लड़की को भी अधिकार है और लड़की अपना अगर भरण पोषण उसका पति सही नहीं कर रहा है, उपलब्ध कार्यों में है, तो अगर नहीं भी कमाता तो भी भरण पोषण की तो लड़की को अधिकार है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर लड़का नहीं भी कमाता तो भी उसको मेंटेनेंस भरण पोषण देना पड़ेगा। अब कोई इस कानून से नहीं बचता, तो समाज की प्रवृत्ति को इन सारे मामलों के लिए ना तो लड़कों डरने की जरूरत है ना लड़कियों को भी डरने की जरूरत है। आजकल लड़कियां भी काफी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जहां लड़कों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, लड़कियों की चाहे गलत बातें हों वो भी जो है अगर लड़के अपनी कहीं शिकायत भी करते हैं, पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं, तो भी लड़कों की बातचीत ज्यादा नहीं सुनी जाती है। तो इससे भी जो है परिवार की जो है अभिप्राव की स्थिति काफी हो रही है। तो इसमें अगर आप लोग सारे पैसे जो है अगर इसमें कोई गरीब लड़की भी है, किसी सलाह की आवश्यकता भी है, तो मैं ये हमेशा उपलब्ध हूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर भी अभी आपको बता दूंगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9837414560। तो जब भी आप मेरे संपर्क कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जब जैसी भी स्थिति हो, कई बार बहुत आजकल गरीब लड़कियां हैं जिनके पास जो है मुकदमा लड़ने के लिए अपनी फीस का भी इंजाम नहीं होता या उसको और आर्थिक कमजोरी होती है, तो उसको काफ़ी मदद मैं कर सकता हूँ और भी मामलों में सलाह ली जा सकती है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि दोनों पक्षों को सबसे प्रयास तो यह रहना चाहिए कि किसी गृहस्थी न टूटे, आपसे समझौते ज्यादातर मामले तय हो जाए और उसके मामले तय होने पर अगर गृहस्थी सही चलती है तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन आज समाज में जो स्थितियाँ हैं उन चीज़ों में जिसको मैं बहुत टकराव आ रहा, इसकी वजह है बहुत सारे कारण भी कि लड़के जो नौकरी नहीं करते, नशा करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज की लड़कियाँ भी जो है संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती, अपने जो है सास ससुर और उनकी सेवा करने में भी जो है मन चुराती हैं और सारी बातों में इस तरह की रुकावट होती है जो हमारी परंपरा के लिए बहुत गलत व्यवस्था है। सर जी, सर जो उत्पीड़न कर रहे हैं आजकल, जो पुरुष अपनी महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पति भी हैं जो पुलिस में भी नौकरी करते हैं, अधिवक्ता भी हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं,
तो उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस विषय में वो डर कर कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं और परिवार जो है उनका पूरा टूट जाता है। बहुत से लोग अपने माता पिता को भी खो चुके हैं इस भय की डर की वजह से। तो ये जो डोरी केस है और फेक डोरी केस अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वो लोग क्या करें? अगर कोई झूठा मामला है तो पुलिस अगर जो है आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, समझौता केंद्र में आज की जो पुलिस है वो उतनी निष्पक्ष नहीं रहती। उनकी लड़की के दबाव में केवल लड़की पर इतना अत्याचार कर दी, कि लड़की सुसाइड कर लेता है या कोई वो गलत स्टेप डाल लेता है, वो कोर्टर कह जाता है, तो सारी स्थितियों के लिए समझौता माननीय उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं आप। इस आगे उनकी अगर रिपोर्ट दर्ज होगी सुधार जा सकते हैं, वहां भी समझौता केंद्र है, वहां भी मामले कई तरह से आसानी से तय हो जाते हैं। जितना भी मामला तय हो जाता है, क्योंकि बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि वहां समझौते से घर परिवार जुड़ जाता है और बहुत से मामले ऐसे हैं तो जो मामले से सेट हो जाते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो है आजकल के लिए एक परंपरा टेंडेंसी भी हो गई है कि लड़की के पक्ष में जो है गलती होते हुए भी लड़कों पर इसका आरोप किया जाता है कि लड़का पक्ष जो है वो परेशान करता है। तो इसके लिए दोनों के लिए बहुत सारी सुविधा जो है लीगल एडवाइज मौजूद है, रूलिंग से संबंधित है, इसके संबंध में भी है। अगर कोई भी पक्ष इस बात की जानकारी देना चाहता है तो संपर्क कर ले और उसके बहुत सारे रास्ते भी समझ में आ सकते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता आरती सिंह जी, जैसे कि महिला आयोग है इस प्रकार से पुरुष आयोग के लिए भी मांग कर रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है अगर ये बन जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सही स्थिति की जांच होनी चाहिए। अगर जिस पक्ष ने भी जो अत्याचार किया जा रहा है या किसी गलत बात, तो दोनों पक्षों को हो लड़की हो सबको न्याय मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। सही सही ये जांच होनी चाहिए कि लड़के जो है लड़की की गलती नहीं है या लड़की गलती है, क्योंकि पेरेंट्स की गलती है। तो इसमें भी चूंकि लड़का बस कई बार अपनी बात को सही से नहीं रख पाता, उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो उस आयोग में लड़का अपनी बात को सही तरह से रख सकेगा, उसे भी न्याय मिल सकेगा। जी सर, जैसे ही एफआईआर की जाती है लड़की वालों की तरफ से, तो उसमें लड़के पक्ष को लगता है कि वो जेल जाएंगे सीधा, तो क्या उनको अपने घर से भाग जाना चाहिए या जो है जाके कानून की सलाह लेनी चाहिए या पुलिस वालों के पास जाके अपनी बात रखनी चाहिए? लेकिन अगर उसके मामले में माननीय जो है उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की है कि वो जो है पुलिस को अब जो है बहुत ज्यादा डर नहीं, पुलिस से भी उसके संपर्क में रहे, पुलिस से भी अगर डर लगता है वहां ना जाकर माननीय उच्च न्यायालय ने इस एफआईआर को जो है निरस्त कराने के लिए या प्रेस कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो है दोनों को बुला के वहां समझौते की बात हो जाती है। कई बार वहां से बहुत सारे मामले लोग आते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो चूंकि 7 साल से कम जिस अपराध में सजा अपराविधान है तो उसमें पुलिस को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार पुलिस जो है अनैतिक अत्याचार करने के लिए ये परेशान करती है इस मामले में। जी, बीएसके आवाज न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।